दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में थप एक जने में मिलल कोरोना वायरस के संक्रमण, अभी तक शंकास्पद 687 जने के स्वास्थ्य परीक्षण। काठमांडू महानगर शहर सब सफाई में जुटल, कोरोना वायरस के संक्रमण फैले न देवे खातिर शहर के विभिन्न ठाव सब में दवाई छिटा रहल। देश लॉकडाउन भइल, आज दोसरका दिन देशभर सुनसान, सर्वसाधारण घर के क्वारंटाइन में। कोरोना वायरस महामारी तीव्र गति में विस्तार, इटालिया स्पेन में मृत्यु दर बढ़ रहल, अमेरिका में संक्रमण दर ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के T20 वरीयता में नेपाल यथावत रहे में सफल। नेपाल में थप एक जने में कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण मिलल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। एक साथे नेपाल के कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 3 पुगल बाटे, जेमे से एक जने ठीक भइल बाड़न त 2 जने के इलाज हो रहल बा। टेकू स्थित शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में उ सबके स्वास्थ्य परीक्षण कैला पर कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल ह। अस्पताल अभी तक ले शंकास्पद 687 जने के स्वास्थ्य परीक्षण कैला में 3 जने के नतीजा पॉजिटिव आयल ह। सोमवार तक ले 608 जने के स्वास्थ्य परीक्षण कैला अस्पताल, मंगल के ठप 79 जने के स्वास्थ्य परीक्षण कैले रहे। शुरू में चीन से आयल एक विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण दिखाई देले रहे, वहाँ के इलाज के बाद ठीक हो चुकल बाड़न। 4 चैत में फ्रांस से कतार के दोहा होकर नेपाल आयल 19 बरस के युवती में भी संक्रमण दिखाई देले रहे। इतवार के स्वास्थ्य मंत्रालय ओकर जानकारी देले रहे, ओकरा बाद सरकार लॉकडाउन के घोषणा कहले रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम खातिर सरकार लॉकडाउन घोषणा करे के साथे काठमांडू महानगरपालिका दवाई छिटे के शुरू कैले बा। सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम खातिर लॉकडाउन घोषणा कैला के साथे काठमांडू महानगरपालिका सर्वसाधारण के भीड़भाड़ होखे वाला चौका स्थान में दवाई छिट के शुरू कैलख। महानगरपालिका 9,000 लीटर के 5 गो टैंकर से बानेश्वर चौक, थापाथली, रत्न पार्क, चाबहिल चौक, जुद्ध चौक लगात के स्थान में दवाई छिटले लागल ह। वैसे ही महानगरपालिका साँझ में उपत्यका के विभिन्न स्थान में सर्वसाधारण के भीड़भाड़ भइला पर गंभीर ध्यानाकर्षण भइला। वैसन भीड़ से कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम में कठिनाई उत्पन्न होके के कहत भीड़भाड़ ना करे खातिर सरकार के लॉकडाउन कार्य के पूर्ण पालना करे खातिर समेत आग्रह कैले बा। VFA खातिर बोलावल गईल प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना साठ के चैत 23 गते खातिर स्थगित भइल बाटे। इससे पहले चैत 7 गते खातिर बोलावल गईल बैठक सूचना मार्फत ही 13 गते खातिर स्थगित भइल रहे। संघीय संसद के कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगी आज एगो सूचना प्रकाशित करके कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण के ख्याल रखत नेपाल सरकार अत्यावश्यक बाहे के आवत जावत में प्रतिबंध लगौला से VFA के बैठक बैठ ना सके के जानकारी करौने ह। दोसर बैठक चैत 23 गते इतवार के दोपहर 1 बजे बैठे के सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के प्रेस विज्ञ श्रीधर ने उपानी जानकारी देने। कोरोना वायरस COVID-19 के नियंत्रण करे खातिर लॉकडाउन के दोसर दिन आज सवेरे से ब्रिगंज सुनसान बाटे। लॉकडाउन उल्लंघन करत चितवन से आयल कंटेनर में लुकायल 53 जने व्यक्ति के भी आज परसा प्रहरी कंटेनर सहित नियंत्रण में लेके अनुसंधान कर रहल बा। एने तराई के मुख्य धार्मिक तथा पौराणिक पर्व छठ ई बरस ना मनाव के निर्णय कैल गेल बा। परसा के प्रमुख धार्मिक आस्था के गहुआ माई मंदिर समेत आज बंद भइल बा। एने नेपाली सेना समेत निगरानी बढ़ौले बा। बीरगंज बैरिक अगाड़ी रहल तरकारी दुकान सब में आदमी सब के भीड़ बढ़ला से बंद कैल गेल बा। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम खातिर सरकार के लॉकडाउन के अवज्ञा कैल कहत प्रहरी स्वयं सवारी साधन के नियंत्रण में रहले बा। लॉकडाउन के दोसरका दिन सवेरे से ही सुरक्षा कार्रवाई कड़ा बनावला संगे विभिन्न सुरक्षा संयंत्र के सहयोग में ट्रैफिक प्रहरी स्वयं सवारी साधन नियंत्रण में लेलक ह। प्रहरी उपत्यका के विभिन्न स्थान से 400 से भी ज्यादा सवारी साधन नियंत्रण में लेले बाटे, दर्जनों सर्वसाधारण के कड़ा चेतावनी सहित छोड़ देले बा। कालीमाटी, बलखू, कलंकी, जावलाखेल, मंगल बाजार, सोरेखुटे, नारायण गोपाल चौक लगायत के स्थान से प्रहरी सवारी साधन नियंत्रण में लेले बा। नेपाल में थप एक जने कतार से आयल नेपाली में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइला बाद सुरक्षाकर्मी लॉकडाउन कार्यान्वयन में कड़ाई कैले बा। वैसे ही नेपाली सेना सर्वसाधारण के घर से ना निकले खातिर कहत जनचेतना के खातिर माइकिंग शुरू कैले बा। पश्चिम नवलपरासी के सुनवल नगरपालिका 100 बेड के क्वारंटाइन तैयार कैले बा। सुनवल नगरपालिका के जरगाहा में रहल प्रहरी युक्ति तालीम महाविद्यालय केन्द्र में क्वारंटाइन बनावल गेल ह।
पश्चिम नवलपरासी में 7 गो स्थानीय तह रहल बाटे, जेमे श्री सुनवल नगरपालिका के नमूना कार्य कैल प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दहाल बतौले बानी। विश्व में ही कोरोना के महामारी भैला बाद पूर्व तैयारी के खातिर सुनवल नगरपालिका इ कार्य प्रारंभ कैलख। पश्चिम नवलपरासी के राजमार्ग में ट्रैफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी के टोली कड़ाई के साथ गाड़ी ओवरदोर में रोक लगौले बा। कोरोना वायरस कोविड-19 प्रति सतर्कता अपनाव के कैल गई लॉकडाउन के थप प्रभावकारी बनावे खातिर सप्तरी के कुछ स्थान में नेपाली सेना भी सर्वसाधारण के सचेत करौले बा। लॉकडाउन के समय में अत्यावश्यक काम लेके घर बाहर निकलल सर्वसाधारण के सदरमुकाम राजबिराज सहित हनुमान नगर, रूपनी, कल्याणपुरा, कंचन स्वरूप बाजार में सेना सचेत करौलख। सुरक्षाकर्मी अभाव भैया से मुख्य बाजार सब में नागरिक के सचेत करावे के खातिर सुरक्षा समिति के बैठक से भीमदत्तगढ़ से सहयोग मांगल गई। सप्तरी के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी आनंद ठाकुर जानकारी देहनी। वहाँ के भारत के बिहार से 78 किलोमीटर खुला सीमाना रहला से सशस्त्र प्रहरी उहे स्थान सब में खटाल गए और नेपाल प्रहरी के भी 18 गो स्थानीय तह में खटे के पड़ला से नेपाली सेना के सहयोग ले पड़े के वहाँ के बताने। सप्तरी में अभी तक ले हनुमान नगर, कंकालिनी और डाकनेश्वर नगर पालिका के 2 जनिया भारत से नेपाल भितरल 1 जने करके 3 जने के क्वारंटाइन में राखल गई बा। करीब 20 घंटा कैलाली जिला स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र गैरी फाट नाका में अलपत्र नेपाली सब आपन घर लौटल बाटे। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के आकस्मिक बैठक से उ सब के उ लोग के ठाव में लौटाव के निर्णय कैले रहे। निर्णय सार्वजनिक करत प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्री कृष्णराज सुवेदी सीमा में अलपत्र पड़ल 19 जिला के करीब 1000 जने नेपाली सब के उ लोग के लगत संकलन करके संबंधित जिला में ही पठाओ के बतौले रहनी। प्रदेश सरकार के ही साधन स्रोत से उ सब के संबंधित जिला में पठाओल गई बा। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल रहा कोरोना वायरस रोकथाम के खातिर सरकार देश लॉकडाउन कैल अवस्था में जे जहाँ बा वहीं रह के अनुरोध करते आइल बा। अब आर्थिक समाचार। सरकार से लॉकडाउन कैलक बाद नेपाल में सोना चांदी के कारोबार भी बंद भइल बा। नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न साह के सोना चांदी कारोबार बंद भइल जानकारी देहनी। वहाँ के नेपाल सोना चांदी व्यवसाय महासंघ के पदाधिकारी बैठक से सोना चांदी कारोबार आगामी चैत 21 गति तक खातिर बंद करे के निर्णय कैल बतौनी। विश्वभर फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण और रोकथाम के खातिर सरकार से उठाओल कदम के पालना करत संघ कारोबार बंद कैलक। अब खेलकूद समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के T20 वरीयता में नेपाल यथावत रहे में सफल भइल बा। आईसीसी से सार्वजनिक कैल नया वरीयता में नेपाल यथावत रहल हुए। नया वरीयता में नेपाल 15वां स्थान में रहल बा। इससे पहले भी नेपाल 15वां स्थान में रहल रहे। T20 में लगातार खराब प्रदर्शन करते आइला के कारण नेपाल बीतल महीना 3 स्थान नीचा गिरल रहे। नेपाल के T20 में 11वां स्थान सर्वाधिक उच्च वरीयता हुए। नेपाल एक दिवसीय वरीयता में 16वां स्थान में रहल बा। T20 वरीयता के शीर्ष स्थान में पाकिस्तान रहल बाटे, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया दोसर का, इंग्लैंड तेसर का, भारत चौथा और दक्षिण अफ्रीका 5वां स्थान में रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल में थप 1 जने में मिलल कोरोना वायरस के संक्रमण, अभी तक ले शंकास्पद 687 जने के स्वास्थ्य परीक्षण। काठमांडू महानगरपालिका शहर सब सफाई में जुटल, कोरोना वायरस के संक्रमण फैल न देवे खातिर शहर के विभिन्न स्थान सब में दवाई छिटा रहा। देश लॉकडाउन भइल आज दोसर का दिन, देश भर सुनसान सर्वसाधारण घर के क्वारंटाइन में। कोरोना वायरस महामारी तीव्र गति में विस्तार, इटालिया स्पेन के मृत्यु दर बढ़ रहा, अमेरिका में संक्रमण दर ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के T20 वरीयता में नेपाल यथावत रहे में सफल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।